धर्म के लिए चाहे मुझे कुछ करना पड़े, चाहे मुझे जो है ना इसके लिए कितना बड़ा भी आंदोलन चलाना पड़े, तो मैं चलाऊंगा। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया। अच्छा। इन्होंने देश को बांटने का काम किया। अच्छा। वो भी धर्म के नाम पे। अच्छा। आज से पहले हमारे हिंदुस्तान में आजाद हुए 75-76 साल हो गए। आज कांवड़ तो पहले से आ रही है, जब देश आजाद नहीं था तब भी आ रही थी। देखो, अपने पिता को पिता कहने में कोई बुराई है? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कांवड़ एक आस्था का विषय है। अच्छी बात है, लोग बागों को जाने चाहिए, भगवान में आस्था होनी चाहिए, वो कोई भी हो, ठीक है। मुस्लिम धर्म के आदमी अपनों को मानते हैं, हम अपनों को मानते हैं। ये कौन सी आस्था है? आप छोटी छोटी बात पर रोड जाम कर देते हो, तोड़ फोड़ कर देते हो। परसों अभी एक गाड़ी तोड़ी थी, बेचारे को भगा के मारा है, पुलिस ने उसके लिए कुछ नहीं किया। तो आपका नाम रहमान है और गणेश भोजनालय रख रहे हो, वैष्णव भोजनालय रखे हो, किस लिए? भाई साहब, एक मिनट। देखो मेरी बात सुनो, किसी को मिसगाइड करना भी तो गलत है। हाँ, मिसगाइड कौन कर रहा है? अच्छा, अगर नाम सही रहे, भाई साहब, बीजेपी गवर्नमेंट अल कबीर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, एक मिनट, भूचड़ खाना है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भूचड़ खाना है, उसका मालिक कौन है? वो हिंदू है, सारे के सारे 600-700 पार्टनर हिंदू, और उनसे है ना आप बॉन्ड लेते हो, आप उनसे चंदा लेते हो, वैसे आप गाय को है ना माता बोलते हो। फिर तुम्हारी कहाँ गई है वो आस्था? चाहे कोई भी गलत करे, अगर मैं गलत करता हूँ, मैं दोषी हूँ, तो मुझे सजा मिले। कोई दिक्कत नहीं है अपने किसी को, नेम प्लेट होनी चाहिए। अच्छा, नेम प्लेट होनी चाहिए। तो हम ना किसी को कहते हैं कि हमारे पास खाओ, जिसका मन होता है ना, दिल साफ होता है तो खाता है वो। धर्म जात की कोई जीत नहीं होता, ये मन की बात होता है। अच्छा। ये मन की बात जो कहेगा वो सुनेगा। आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, आप NCR समाचार देख रहे हैं, मैं हूँ सुमित। जिस तरह से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह नेम प्लेट को लेकर जो फरमान जारी किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा दी है, इस पर बात करेंगे। किस तरह देख रहे हैं आप, पहले तो बताइए। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का फैसला, दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार और अलग मध्य प्रदेश सरकार, इन तीनों सरकार जगह का कहना था कि जो नेम प्लेट है वो होना चाहिए दुकान के बाहर। पहले बताइए, इस फैसले को किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट का जो है सम्मान करता हूँ, लेकिन न्यायाधीश वो भी जो है हमारे सनातन धर्म का जो एक विचारधारा है, हमारी जो संस्कृति है, इसके विषय में समझना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले जो है ना, काफी सारे वीडियो जो है वायरल हुए, फोटो वायरल हुआ कि एक समुदाय के लोग फलों के ऊपर थूक करके जो है ना बेच रहे हैं, उसको अशुद्ध करके बेच रहे हैं, तो उसको जो है रोक नहीं लगाया। तो ये कैसे डिस्क्राइब होगा, ये कैसे कह सकते हैं कि फलों पर जो थूक लगा के बेच रहे हैं वो एक विशेष समुदाय के लोग? वो मदनी जी ने भी एक जो है ना इस्लाम के जो है ना व्यक्ति जो है ना इस बात को मानते हैं, कहते हैं कि हमारी आस्था है। अच्छा। और ये कैसे आस्था है, किसी का जो है ना धर्म खराब करके आस्था है? अच्छा। और सबसे बड़ी बात बता दूं, आपने जैसे कहा कि जो है योगी जी ने जो है, महाराज जी ने जो है एक आदेश दिया था कि भाई हर कोई अपने नाम के दुकान के सामने अपना नेम प्लेट लगाए। अच्छा, ठीक है। तो इसमें सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। मेरा बाप कौन है, मुझे छिपाने में क्या आवश्यकता है? मैं, मेरा बाप कौन है वो मुझे बताने में, मेरे जो गुरु है, मेरे जो इष्ट है, उनके नाम पर अगर मैं कोई कार्य करूं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? तो अगर किसी को आपत्ति है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके मन में बेईमानी है, चोर है, उस वो गलत करना चाहता है। तो नेम से ही, नाम से ही, इससे क्या होगा? मतलब आप समुदाय विशेष को बांटना चाहते हैं ना? नहीं, समुदाय विशेष को कहां से बांटे? अगर वह व्यक्ति ये लिखे कि जब मैं फलना आदमी हूँ और मैं शुद्ध जो है ना भोजन दे रहा हूँ, हमारे यहाँ जो है ना सनातनी लोग बनाने वाले लोग हैं, एक अच्छा हम कार्य कर, क्यों नाम लिख देने से पता चल जाएगा कि वो भोजन शुद्ध है कि अशुद्ध है? नहीं, मैं बताता हूँ, जब हमें पता चलने गया कि हमारे, मैंने आज जो है
हमारी संगठन, मैं डॉक्टर दयाशंकर पांडे सनातन युवा परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैंने ये घोषणा किया, वकायदा जो है ट्वीट भी किया और मैं अपने ऑफिशियल साइट पर भी जो है मैंने चीज दिया कि हर व्यक्ति को, देखो मैं किसी जाति धर्म विशेष का जो है बहिष्कार नहीं करता, लेकिन ये चीज कहता हूँ कि हमारे धर्म के ऊपर अगर कोई बात आएगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा और मैं अपने धर्म के लिए चाहे मुझे कुछ करना पड़े, चाहे मुझे जो है ना इसके लिए कितना बड़ा भी आंदोलन चलाना पड़े तो मैं चलाऊंगा। ठीक है ठीक है, एक सेकंड आपसे मैं पूछूंगा। मैं एक सवाल है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, क्या कहें? देखो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया। अच्छा, इन्होंने देश को बांटने का काम किया। अच्छा, वो भी धर्म के नाम पे। अच्छा, आज से पहले हमारे हिंदुस्तान में आजाद हुए 75-76 साल हो गए, आज कांवड़ तो पहले से आ रही हैं। हाँ। जब देश आजाद नहीं था तब भी आ रही थी और आगे भी हम भी नहीं रहेंगे, योगी मोदी चले जाएंगे हम भी चले जाएंगे। हाँ। ये आज धर्म आस्था का विषय है। एक मिनट बात, लोगों भाग आते रहेंगे और लाते रहेंगे, ले जाते रहेंगे, पर मैं इनके साथ साथ अभी बोल देता हूँ, भाई साहब खड़े हैं ये धर्म पर बहुत भाषण दे रहे हैं, हम कांवड़ लेने जाओ। हाँ। अच्छी बात है, तुम्हें लगता है ये हिंदू मुसलमान करके ही देश का भला हो सकता है तो करो। हाँ, ठीक है। करो। हाँ। अगर आपको लगता है कि देश का भला ही हिंदू मुसलमान करने में होगा। हाँ। तो करो, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ। एक दिन वो आ जाएगा। हाँ। कि हिंदू के पास मुसलमान नहीं बैठेगा और मुस्लिम के पास हिंदू नहीं बैठेगा। दूसरी बात भाई साहब, बस मैं बात खत्म कर रहा हूँ, एक बात खत्म कर रहा हूँ, सुन लीजिए। मैंने ये तो नहीं कहा हिंदू मुसलमान करे। हाँ। भाई देखो, अपने पिता को पिता कहने में कोई बुराई है? अच्छा। मैं जो है आचार्य डॉक्टर दयाशंकर पांडे हूँ, मेरे पिता का नाम जो है आचार्य विजय पांडे है, है? मैं जो है ना श्री राम का भक्त हूँ, मैं जो है ना अपने भगवान अपने इष्ट के विषय में कर सकता हूँ। आप जो है किसी भी धर्म को मानते हैं, आप अपने इष्ट के नाम देकर दुकान खोलने में क्या जाता है? हाँ, या किसी, मैंने बांटने की बात नहीं कही, सब धर्मों का सम्मान है। ठीक है। हाँ। लेकिन जो है पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। हाँ। कांवड़ एक आस्था का विषय है। अच्छी बात है, लोग बागों को जाने चाहिए, भगवान में आस्था होनी चाहिए, वो कोई भी हो। ठीक है, है? हाँ। मुस्लिम धर्म के आदमी अपनों को मानते हैं। हाँ। हम अपनों को मानते हैं। है। ये कौन सी आस्था है? हाँ। आप छोटी छोटी बात पर रोड जाम कर देते हो, तोड़ फोड़ कर देते हो। परसों ही अभी एक गाड़ी तोड़ी थी, बेचारे को भगा के मारा है, पुलिस ने उसके लिए कुछ नहीं किया। एक होटल वाले को तोड़ दिया उन्होंने, होटल वाले को मारा। अच्छा। और उसने प्याज का तड़का लगा दिया। ये कौन सी आस्था है? ये क्या हमारे शंकर भगवान ने या हमारे किसी पूर्वज ने या हमारे भगवान ने कहा था कि छोटी सी बात के पीछे आप उसे तोड़ो फोड़ो मारो? ये कौन सी आस्था है? ये कौन सी आस्था आप दिखाना चाहते हो? मैं आपको बताऊं, ये आस्था नहीं, थूक करके। आपने देखा होगा थूक करके फल में लगाना और उस फल को बेचना, कौन सी आस्था? मैं आपसे पूछता हूँ। कुछ बोलना चाहते हैं? अंकल जी, हमारे कह रहे हैं कि भैया कौन सी आस्था है? देखो, हर एक धर्म का सम्मान होना चाहिए। और अगर वो आस्था से जा रहे हैं, इतनी दूर से कष्ट उठा करके आ रहे हैं, है ना, तो उस गाड़ी वाले को भी तो सोचना चाहिए कि बंदा ये तीर्थ यात्रा से आ रहे हैं और साइड में चलाना चाहिए। उस गाड़ी वाले की गलती नहीं है, सिर्फ गलती है उस व्यक्ति की कि तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? रीजन पे नहीं जाएगा कोई, रीजन पे कौन जाएगा भाई? आप ये सोचो कि उसको अगर गाड़ी तोड़ी, ये पहली घटना नहीं है। अच्छा। हर साल 10-12 घटनाएं ऐसी मिलती हैं। योगी आदित्यनाथ के फैसले को कैसे देखते हैं? सही फैसला है उनका? बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। अच्छा। बिल्कुल सही है। अच्छा, किस तरह सही है? मुझे ये बताओ कि गलत कहाँ है। अच्छा। अगर मैं, मेरा नाम राम है तो मुझे राम लिखने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। अच्छा। मेरा नाम अगर रहमान है तो मुझे रहमान। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक लगाई वो? हाँ। सुप्रीम कोर्ट जाने। अच्छा। मैं उसकी इसकी वो अवहेलना नहीं कर रहा, मगर बोल दो ना। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश का, हमसे पूछिए ना, हम बता रहे हैं। देखिए, ये सीधे सीधे जो है ना, मैं आपको कहूंगा किसी एक पक्ष का दबाव है। किस पक्ष का दबाव? ठीक है, ये सीधे सीधे किसी एक पक्ष का दबाव है। मैं बोल रहा हूँ नाम बोलो। कांग्रेस का दबाव है? अरे सरकार तो तुम्हारी है, सरकार तुम्हारी है, कांग्रेस फिर तो, फिर एक मिनट भाई साहब, तुमसे पावर है, राहुल गांधी है, जब उसके उसके दबाव में सुप्रीम कोर्ट आ सकता है तो फिर तुम क्या कर रहे हो?
तुम्हारी सरकार क्या कर रही है? मैं बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में किसी के दबाव भाई साहब, विपक्ष में एक चीज होती है। आज मैं आपको बता, अगर ठीक है एक सवाल बताइए, अगर मुस्लिमों के दुकान से अगर हिंदू फल खरीद लेंगे तो क्या दिक्कत? नहीं नहीं, खरीदने क्या दिक्कत नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, बात सुनो मेरी, मुझे एक बात बताओ, एक मिनट, मुझे एक बात बताओ। मेरा नाम राम है तो मैं रहीम क्यों लिखूं? और मेरा नाम रहीम है तो वो मेरी मर्जी, अगर राम मगर एक बात बताओ, आपका नाम रहमान है और गणेश भोजनालय रख रहे हो, वैष्णव भोजनालय रखे हो, किस लिए? देखो मेरी बात सुनो, किसी को मिसगाइड करना भी तो गलत है। हाँ, मिसगाइड कौन कर रहा है? मिसगाइड कौन कर रहा है? अगर नाम सही रहे, बीजेपी गवर्नमेंट, अल कबीर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, एक मिनट, भूचड़ खाना है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भूचड़ खाना है, उसका मालिक कौन है? उसका मालिक कौन है? वो हिंदू है, सारे के सारे 600-700 पार्टनर हिंदू, और उनसे है ना आप बॉन्ड लेते हो, आप उनसे चंदा लेते हो, वैसे आप गाय को है ना माता बोलते हो, फिर तुम्हारी कहाँ गई है वो आज तक? सुनो मैं बता रहा हूँ ना, तो भाजपा को मैं जो है ना कह रहा हूँ, ना कांग्रेस को कह रहा हूँ, ना भाजपा जो हिंदुओं का ठेकेदार है, सनातनियों का, ना कांग्रेस ठेकेदार है। मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरा कहना ये है कि जो है ना आज नहीं कांवड़ जा रहा, कांवड़ जा रहा है बरसों से, और हम फल, ये सब कांवड़ बरसों से जा रहे, तो ये सब अभी करने क्या जरूरत है? अभी इसलिए क्योंकि अभी कुछ, देखो मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ शरारती तत्व ऐसे दिखे जो थूक लगाकर फल बेचते हुए दिखे, वीडियो चाचा ऐसा वीडियो पहले ले आता था, आपने देखा होगा बहुत सारे यहाँ जितने पूछे, तो कुछ लोगों के इत्तेफाक रखते हैं। अच्छा, शरारती हर जगह होते हैं, तो ये धर्म के आधार पर शरारती थोड़ी होते हैं। मैंने कहा के आधार पर शरारती होते हैं, सबका सम्मान करते हैं। एक बात मैं बताता हूँ, बिल्कुल होते हैं। मुझे बताओ, कांवड़ यात्रा निकल रही है? दंगे कितने हो रहे हैं? नहीं हो रहे ना? अच्छा, ठीक है, अभी ताजे निकले, लगने नहीं हुए ना। अब मुझे बताओ कि अब ये श्री राम की यात्रा रामनवमी पे निकलती है तो जहांगीरपुरी जैसे कांड क्यों होते हैं भाई? वहाँ पे हिंदुओं ने करे या मुसलमानों ने करे, ये सोच लो। एक सवाल का जवाब मेरा देंगे भाई साहब, रामनवमी पे क्यों होते हैं भाई? और सुनो, मैं ये बंगाल, क्या नाम है, बंगाल के अंदर तो कितने, मतलब वहाँ पे हिंदू रामनवमी के कब से नहीं निकालते बताइए? एक सवाल का जवाब दोगे भाई साहब मुझे? देखो हाँ, मैं भी तरीके से पूछ रहा हूँ, कोई लड़ नहीं रहा हूँ आपसे। आप कहते हो कि एक कास्ट विशेष दंगा करती है, यही बात है ना? अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ को उड़ाने की धमकी मिली थी, राम मंदिर को उड़ाने की धमकी मिली थी, पकड़े जाने के बाद क्या पता लगा जिन्होंने मुसलमानों के नाम पे धमकी दी थी, और वह दोनों तीनों बंद, एक मिनट यार पूरी बात सुन लिया करो, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, पकड़े गए वो तीनों, ठीक है, पता लगा वो तीनों हिंदू हैं, उनकी हिम्मत कैसे हुई? उनके बुलडोजर चल गया, अरे बाबा का बुलडोजर चल गया। वो देखो, काम गलत जो भी करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए, काम गलत जो भी करेगा। हम तो ये चीज कह रहे कि चाहे कोई भी गलत करे, अगर मैं गलत करता हूँ, मैं दोषी हूँ, तो मुझे सजा मिले, गलत करने वाले को सजा मिले, मेरा कहने का मतलब ये है। नाम से डिफाइन, नाम गलत है कौन सही है, मैं ये पूछ रहा हूँ। आदित्यनाथ ने जो नाम प्लेट वाला फैसला लिया, सही है या गलत है? सही है। अच्छा, सही है, कैसे आपको लग रहा है कि सही है उनका? कोई दिक्कत नहीं है अपने किसी को, हाँ। नाम प्लेट होनी चाहिए। अच्छा, नेम प्लेट होनी चाहिए, और नहीं है तो क्या उस दिक्कत है? अगर नहीं है तो भाई लोग पूछेंगे भी, बात करके अपने पूछेंगे वो, हाँ भाई, हाँ भाई, अच्छा, क्या क्या फिर? सुप्रीम कोर्ट ने रोक क्यों लगा दी अगर उनका फैसला सही है? सुप्रीम कोर्ट के मामले में हम क्या बोले? अच्छा, मतलब आपके अकॉर्डिंग सही है उनका फैसला? हाँ, नंबर प्लेट होनी चाहिए अपने। अच्छा, नाम प्लेट होनी चाहिए। हाँ, अच्छा ठीक है, अगर नाम प्लेट होनी चाहिए और किसी मुस्लिम का शॉप है और वहाँ नॉनवेज मिले, आप खाएंगे? अगर आप हिंदू है तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बताइए खाएंगे? नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए खाएंगे? अच्छा, अगर क्या नाम है तुम्हारा? आसिफ भाई। अच्छा, ये आसिफ है, इनके इनका शॉप है, इनका नाम लिखा हुआ है, मुस्लिम है तो खाएंगे आप, बताइए आप?
खाने का मन होता है ना वो धर्म से नहीं खाते, बस अपने मन की इच्छा है, जो जहाँ से खाए उसकी कोई मर्जी नहीं। अच्छा हाँ, ये धर्म में हम लोग ना खाने को नहीं होगा तो खाएंगे। अच्छा, कहीं खाने को नहीं होगा तो खाएंगे, तो खाएंगे। ये बच्चे क्या करे, बहुत अच्छी बात बोले। फिर देखो भाई, वो हम ना किसी को कहते हैं कि हमारे पास खाओ, जिसका मन होता है ना, दिल साफ होता है तो खाता है, वो धर्म जात की कोई जीत नहीं होता, ये मन की बात होता है। अच्छा। ये मन की बात जो कहेगा वो सुनेगा।